हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा पंचाल रसोई में। और आज फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं मक्के के आटे का उपमा। ये उपमा फ्रेंड्स खाने में जितना स्वादिष्ट और मज़ेदार लगता है उतना ही फ्रेंड्स ये पौष्टिक भी होता है। और सर्दियों के दिनों में फ्रेंड्स मक्के के आटे को आप किसी भी फॉर्म में अगर खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो उपमा बनाना फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स कोई भी हम मोटे तले की कढ़ाई या पैन ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 बॉल जितना मक्के का आटा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो मैं उपमा बना रही हूँ वो 4 से 5 व्यक्तियों के लिए बना रही हूँ। तो मैंने 2 बॉल मक्के का आटा लिया है और इसके साथ ही फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना प्योर घी। और अभी फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम पे हमें आटे को भूनना है। और मक्के के आटे को भूनने में फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट का समय लगेगा और लगातार फ्रेंड्स हम चलाते रहेंगे और तब तक फ्रेंड्स हम मक्के के आटे को भूनेंगे जब तक कि बहुत अच्छी सी खुशबू आने नहीं लग जाती। अभी देखिए फ्रेंड्स बहुत बढ़िया से खुशबू भी आने लगी है और आटे को भूनते हुए फ्रेंड्स मुझे 5 मिनट हो गए हैं। तो अभी हम गैस बंद कर लेंगे और ये जो आटा है इसे एक प्लेट में ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने एक दूसरा पैन लिया है और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। तो तेल की जगह फ्रेंड्स आप घी भी ले सकते हैं। और जैसे फ्रेंड्स तेल गर्म होगा हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी उड़द दाल, 1/2 टीस्पून जितनी उड़द दाल। इसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा राई दाना, तो 1/4 चम्मच जितना फ्रेंड्स हम इसमें राई दाना ऐड करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून जितना जीरा और इसमें ऐड कर लेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। 8 से 10 फ्रेंड्स कड़ी पत्ते आप ऐड करें। और साथ ही फ्रेंड्स इसमें अदरक ऐड करेंगे। तो अदरक को फ्रेंड्स मैंने स्लाइस में कट किया है, तो खूब सारा फ्रेंड्स आप अदरक डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगता है अदरक का। 1 से 2 मिनट फ्रेंड्स हम भूनेंगे। और अभी इसमें देखिए थोड़ा सा 1/4 चम्मच जितना हम अजवाइन भी ऐड करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई। और प्याज के साथ साथ ही फ्रेंड्स मैंने 4 हरी मिर्ची को भी चॉप कर लिया था, तो ये मैंने साथ में ही ऐड कर लिए हैं दोनों। और अभी फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हम प्याज को भूनेंगे। और हरी मिर्ची फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा इसलिए डाली है क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्ची नहीं डालने वाली हूँ। हरी मिर्ची का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया लगता है। और अभी फ्रेंड्स इसमें ऐड कर लेंगे थोड़े से हरे मटर, तो ये फ्रेश हरे मटर हैं फ्रेंड्स और सर्दियों के मौसम में तो खूब मिलते हैं, तो आप ज़रूर ऐड करें। और भी सब्ज़ियाँ आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। मटर डालने के बाद भी फ्रेंड्स हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे। मटर को फ्रेंड्स ऑयल में भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका जो कलर है वो एकदम से ग्रीन ही रहेगा और थोड़े से मटर भी सॉफ्ट होने ज़रूरी हैं। 2 मिनट आप इसे भूनें। बीच बीच में फ्रेंड्स हम चलाते रहेंगे। और अभी देखिए फ्रेंड्स मटर भी हमारे भून गए हैं और साथ ही फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 2 टमाटर लिए हैं और टमाटर को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और टमाटर को ऐड करने के बाद भी फ्रेंड्स हम 1 से 2 मिनट मसालों को भूनेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जितना फ्रेंड्स हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और इसके साथ ही फ्रेंड्स 1 टीस्पून जितना हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सेंधा नमक लिया है, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक ऐड करने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, मटर का आप कलर देख रहे हैं एकदम से ग्रीन हो गया है। और अभी 1 मिनट और भूनेंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मसाला हमारा बनके
तैयार हो गया है। मटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स अभी हमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ फ्रेंड्स हम 5 बॉल जितना पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 2 बॉल फ्रेंड्स मक्के का आटा लिया था, तो 5 बॉल हम पानी ऐड करेंगे। और अभी फ्रेंड्स हम पानी के उबलने का इंतज़ार करेंगे, बहुत बढ़िया से उबाल आने देंगे इस पानी में और बीच बीच में फ्रेंड्स हम चलाते भी रहेंगे। तो मक्के के आटे का ये उपमा फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। और अभी देखिए फ्रेंड्स पानी में बहुत बढ़िया से उबाल आना शुरू हो गया है और अभी और हम 1 से 2 मिनट इस पानी को पकाएंगे। ये पानी जितना अच्छे से फ्रेंड्स हम पकाएंगे उतना ही उपमा हमारा स्वादिष्ट बनेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स इस समय हम पानी को टेस्ट भी कर लेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स हम ये जो मक्के का आटा हमने भून के रखा है वो ऐड कर लेंगे। तो जब भी फ्रेंड्स आप मक्के का आटा ऐड कर रहे हो तब आप गैस बंद भी कर सकते हैं ताकि इसके जो छींटे हैं वो उड़े नहीं और लम्प्स भी ना पड़े और अच्छे से ये जो आटा है वो पानी में मिक्स हो जाए। तो आटे को मिक्स करते समय फ्रेंड्स आप गैस बंद कर सकते हैं और जैसे ही फ्रेंड्स आटा अच्छे से मिक्स हो जाता है पानी में फिर आप गैस को ऑन कर लें। अभी लगातार फ्रेंड्स हम चलाते रहेंगे और आटा ऐड करने के बाद भी फ्रेंड्स हमें 3 से 4 मिनट इसे पकाना है, क्योंकि मक्की का आटा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, बहुत बढ़िया से ये उपमा पकना चाहिए फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखें आप। और बिल्कुल धीमी आंच पे फ्रेंड्स हम पकाएंगे इसे और अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आटा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी फ्रेंड्स इसमें ऐड कर लेंगे खूब सारा हरा धनिया, साथ ही फ्रेंड्स इसमें ऐड करेंगे खूब सारा हरा लहसुन, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन का इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट फ्रेंड्स और हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मक्के के आटे का उपमा हमारा बनके तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से ये जो उपमा है वो कुक हो गया है, आप देख सकते हैं। और अभी फ्रेंड्स ये गर्मा गर्म मक्के के आटे का उपमा एक सर्विंग बाउल में हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मक्के के आटे का उपमा हमारा बनके बिल्कुल तैयार है और मक्के के आटे के सर्दियों में खाने के बहुत सारे फायदे हैं, ढेरों फायदे हैं, आप किसी भी फॉर्म में मक्के का आटा ज़रूर खाएं। और इस पे हम डाल देंगे खूब सारा प्योर घी, घी के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स ये। तो ये फ्रेंड्स मक्के के आटे का उपमा आप लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, जब भी आपका मन हो आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये उपमा एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।